सोनी मिश्रा सुसाइड केस में एमएलए शरद चौहान व एसआई मुख्तियार सिंह डिस्चार्ज हुए। एडवोकेट प्रदीप राणा कर रहे थे पैरवी। आम आदमी पार्टी की वर्कर सोनी ने नरेला में किया था सुसाइड। सोनी मिश्रा आम आदमी पार्टी की वॉलेंटियर थी जिसने 2019 में सुसाइड कर लिया था और सुसाइड नोट में आम आदमी पार्टी के विधायक कार्यालय में काम करने वाले एक युवक के ऊपर भी तंग करने का आरोप लगाया गया था। साथ ही एमएलए को बताए जाने के बाद उनके द्वारा भी सहायता नहीं करने का जिक्र किया गया था। इसके बाद सोनी सुसाइड केस में नरेला से विधायक शरद चौहान, उनके साथ काम करने वाले एक ऑफिस के वर्कर, साथ ही दिल्ली पुलिस के उस केस में मौजूद एसआई ने समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की, उन सभी पर एफआईआर दर्ज हुई थी और पूरी दिल्ली के अंदर यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। उस मामले में अब एमएलए शरद चौहान, सब इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह, शरद चौहान के कार्यालय में काम करने वाले एक युवक, इन तीनों को केस से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस मामले में एक अन्य आरोपी वीरेंद्र मान उर्फ काला भी थे जिनका फिलहाल कुछ समय पहले देहांत हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार। 2019 में सोनी मिश्रा नाम की एक लेडी ने आत्महत्या की थी और इस केस को बाद में क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था और उस केस के अंदर पुलिस ने एक सुसाइड नोट को जब्त किया था एज पर द केस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसमें एक सुसाइड नोट के अंदर कोई एएमएल लिखा हुआ था। एएमएल को क्राइम ब्रांच ने इन्फर किया कि ये एमएलए शरद चौहान है जो नरेला से उस समय सिटिंग एमएलए होते थे, तो उनको इस केस में इंटरोगेट करके और पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने उसको अरेस्ट किया। जब शरद चौहान को अरेस्ट किया, हमने उनकी एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगाई थी क्योंकि हमें पता था इस केस में कोई हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उसके बाद जब रेगुलर बेल लगाई तब भी क्राइम ब्रांच ने अपोज किया था कि हमारे पास प्रथम दृष्टिया साक्ष्य हैं, प्राइम फेसा एविडेंस अवेलेबल है, पर सेशन कोर्ट से जमानत पे रिहा कर दिया गया था शरद चौहान को। उसके बाद चार्जशीट पेश की गई और चार्ज पे बहस हुई और चार्ज के लिए कोर्ट को स्पेशल कोर्ट गठित की गई है, जो एमपी और एमएलए के लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई है। उसमें क्योंकि शरद चौहान सिटिंग एमएलए थे तो राउज एवेन्यू के अंदर उस केस में स्पेशल कोर्ट ने इस केस की सुनवाई चालू की। चार्ज के दौरान 8 से 10 केस डेट्स पे बहस हुई है जिसमें क्राइम ब्रांच को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, प्रोसिक्यूशन को पूरा मौका दिया गया।